नमस्कार। कला संस्कृति के इस मंच से मैं पल्लवी संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है ये मंच। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं आगरा ग्वालियर घराने के प्रतिष्ठित गायक पंडित प्रभाकर कारेकर जी को। पंडित जी का जन्म गोवा के मड़गांव में हुआ। नमस्कार एंड वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। लियो टॉल्स्टॉय राइटली सेड, म्यूजिक इज द शॉर्ट हैंड ऑफ इमोशन। इट इज आवर एंडेवर इन टुडेज रिसाइटल बाय पंडित प्रभाकर कारेकर टू कन्वे दिस। पंडित प्रभाकर कारेकर वॉज बॉर्न इन गोवा। हिज फादर वॉज अ गोल्डस्मिथ बाय प्रोफेशन एंड अ म्यूजिक लवर बाय चॉइस। He encouraged both his sons to learn music, but unlike his brother, Panditji took it up professionally. और अधिक कुछ जानने के लिए आइए देखते हैं ये क्लिपिंग्स। पंडित प्रभाकर जी के पिता जनार्दन कारेकर जो व्यवसाय में थे, उन्हें संगीत के प्रति गहरा लगाव था। सुरों की इसी आस्था का प्रतिफल उनके आंगन में प्रतिबिंबित हुआ पुत्र प्रभाकर कारेकर के रूप में। बचपन में जब लोगों ने प्रभाकर जी की आवाज़ सुनी तो कहा कि इस बच्चे को गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। वो समय था जब गोवा से मुंबई आना इतना आसान नहीं हुआ करता था। उस टाइम में पासपोर्ट पुर्तगीज ये था ना, तो पासपोर्ट नहीं था हमारे पास। तो कैसा हद पार करनी है, गोवा और बॉर्डर क्रॉस करनी है, तो हमको पैदल चलना पड़ा। तो हम 8 दिन कंटिन्यू नाइट में चलते थे। लोगों की आवाज़ को शिरोधार्य मानकर पिता जनार्दन जी ने पुत्र को मुंबई में पंडित सुरेश हल्दरकर के यहाँ सौंपा। हल्दरकर के पास जाने के बाद उसने मेरा गला सुना कि बोला कुछ गाओ, तो उन्हीं का ही गाना एक मैं गा के दिखाया उनको। तो बहुत खुश हो गए, बोले अरे ये लड़के का आवाज़ बहुत अच्छा है, मैं उसको सिखाऊंगा। माहिम से प्रारंभ हुई संगीत की साधना आज भी सतत जारी है। पंडित जी को आज भी अपना पुराना समय याद है। माहिम में एक मॉडर्न लॉन्ड्री थी, उनके घर में जगह नहीं थी, हम बाहर फुटपाथ में सोते थे दोनों भाई। गुरु के कठोर अनुशासन में तप कर कुंदन निखरा और अपनी पहली प्रस्तुति से सभी को चकित कर दिया। पंडित जी ने मुझे पीएल जी ने मुझे बताया था कि सब लोग तान नहीं मारते, तुम मारो, ये तान तुम। मेरे गले में तान बहुत अच्छी थी उस टाइम, तो मैंने भी सोचा कि ये ठीक है। एकदम सास के तान ऐसे छोड़ा मैंने। आपको मैं बताऊं, कम से कम 10 मिनट लोग तालियां मारते रह गए। कभी मैं किसी के पास जाता था, मेरा एक प्रोग्राम रखो यार, मैं कहीं बाहर गाँव कोई आते थे होते, हाँ करूँगा करते थे, कोई रखते नहीं थे। लेकिन उस टाइम में जब मेरा प्रोग्राम हो गया तो वहाँ मुझे 5 प्रोग्राम मिला उस सम्मेलन में, 5 प्रोग्राम वहाँ से ही शुरू हो गया। शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली आपने पंडित जितेंद्र अभिषेक की और पंडित सी आर व्यास जी से और रचा आगरा ग्वालियर घराने में एक नया अध्याय। इसमें साथ मिला जीवन संगिनी प्रतिभा जी का। आपके पुत्र अमित कारेकर इवेंट कंपनी में कार्यरत हैं। प्रभाकर जी को अपनी तीसरी पीढ़ी में नजर आती है अपनी सी दीवानगी। कितना कुछ जानने और सुनने को मिला है ना। पंडित जी ने अपने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति सवाई गंधर्व महोत्सव, डोवरलैंड कॉन्फ्रेंस कोलकाता, ग्वालियर और विदेश में अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में भी दी है। मराठी नाट्य संगीत के क्षेत्र में पंडित जी का काफी बड़ा योगदान रहा है। पंडित जी took his initial training from पंडित सुरेश हल्दरकर and later trained under पंडित जितेंद्र अभिषेकी। He also received extensive training from the famous exponent of the ग्वालियर आगरा घराना पंडित सी आर व्यास। It's very interesting to know ग्वालियर is known for its lucidity and simplicity and आगरा for its layakaris and manifestation of laya in all the aspects of khayal presentation. It's nice to see the niceties and finer points of both the gharanas reflected in Panditji's performances. His style has left an indelible mark in the mind of his listeners. There are few Natya Sangeet fans who have not been regaled by the bold and expressive performances of Panditji's Natya Sangeet. He also received the Lata Mangeshkar Award, Maharashtra Gaurav and many more.
कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं ज्येष्ठ तबला वादक ओंकार गुलवाड़ी, हारमोनियम पर अनंत जोशी, तानपुरे पर है आपके शिष्य संदेश और सागर। आज की सुबह को आपने सजाया है राग गुजरी टोड़ी से, जो बहुत ही मनमोहक राग है। तो आइए सुनते हैं राग गुजरी टोड़ी। आज के कलाकार है आगरा ग्वालियर घराने के पंडित प्रभाकर कारेकर जी। टुडे पंडित जी विल प्रेजेंट राग गुजरी तोड़ी। गुजरी तोड़ी प्रोड्यूसेस अ मूड ऑफ थॉटफुलनेस विच मेक्स अ मैन रीच विद इन हिमसेल्फ एंड सीक फॉर ट्रूथ इन साइट। अकम्पनिंग हिम ऑन द तबला इज ओंकार गुलवाड़ी, हारमोनियम अनंत जोशी एंड हिज डिसाइपल्स ऑन द तानपुरा। प्रेजेंटिंग पंडित प्रभाकर कारेकर, सिंगिंग राग गुजरी तोड़ी।
Love.
Abadhar, Jan Abadhar, Jan Abadhar.